नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चाणक्य नीति की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। चाणक्य नीति को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार पुरुष अगर महिला की ये चीज पहन लेता है तो वह करोड़पति बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, महिला की वो चीज क्या है जो पुरुष पहनते ही करोड़पति बन जाता है, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। दोस्तों, व्यक्ति की सफलता में उसकी मेहनत और उसके भीतर मौजूद अच्छे गुणों का बहुत महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति हर कार्य में सफलता ही प्राप्त करे, कभी कभी वो असफल भी हो जाता है। व्यक्ति कई ऐसी गलतियां करता है जो उसे असफल बना देती हैं। ऐसे में आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति इन चीजों को नहीं छिपाता तो वो कभी करोड़पति नहीं बनता, बल्कि भिखारी और दुनिया की नजरों में गिर जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर एक, दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, खूबसूरत पत्नी की नुमाइश कभी नहीं करनी चाहिए। अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी की बड़ाई करते हैं, कहते हैं मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इससे ना सिर्फ आपके घर की बदनामी होती है बल्कि आपके दुश्मन भी बन जाते हैं। बाहर कभी भी अपनी पत्नी की बड़ाई ना करें। आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार खूबसूरत वस्तु तारीफ को बढ़ावा तो देती ही है बल्कि इसके दुश्मन भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार चंदन के पेड़ से लिपटा हुआ सांप, इसीलिए आप ऐसी गलती कभी ना करें। नंबर दो, दोस्तों हर व्यक्ति का एक मजबूत और एक कमजोर पक्ष होता है। इस कमजोर पक्ष को कभी लोगों के सामने जाहिर ना करें, इससे व्यक्ति दूसरों की नजरों में कमजोर बनता ही है। साथ ही साथ लोग उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश भी कर लेते हैं, इसलिए सतर्क रहें। नंबर तीन, घर की बेटियों का स्वभाव। दोस्तों, जो परिवार अगर इस बात को गांठ बांध ले और घर की बेटियों के बारे में कोई भी बात इधर की उधर ना करे तो परिवार को मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। चाणक्य नीति के अनुसार बेटियों का बुरा स्वभाव कभी किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपकी बदनामी होती है बल्कि समाज ऐसी लड़कियों को नकार देता है और शादी के समय अड़चने आती हैं, इसीलिए सतर्क रहें। नंबर चार, दुखों को उजागर करना। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब वह दुखी होता है, तो ऐसे में इस दुख के पलों को लोगों से छिपाना चाहिए। दुनिया के सामने अपने दुखों को जाहिर कभी नहीं करना चाहिए, इससे लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे जो बाद में आपके कार्यों में बाधा के रूप में सामने आएगा, इसलिए अपने दुखों को कभी उजागर नहीं करना चाहिए। नंबर पांच, दोस्तों आचार्य चाणक्य ने साफ साफ अपनी पुस्तक में बताया है कि धनी व्यक्ति कभी अपने धन को उजागर नहीं करता। ऐसे में धनी व्यक्ति उसे माना जाता है जो वक्त आने पर धन को उजागर करे। बिन मतलब के धन दिखाना या बार बार धन की धमकी देना अच्छा परिणाम नहीं होता, इसलिए याद रहे, जो वक्त आने पर धन को उजागर करता है वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। दोस्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा को पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, औरत की हर चीज पवित्र होती है, लेकिन औरत के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण ही उसके परिवार और उसके घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, एक पवित्र महिला की ये चीज अगर आप पहन लेते हैं तो आप करोड़पति बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने जिस चीज का जिक्र किया है वो है महिला की चप्पल। जो भी पुरुष महिला की चप्पल को पहनता है उस पुरुष के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। उस घर में कभी पैसों की कमी नहीं आती, क्योंकि पुरुष हमेशा औरत की चप्पलों से कतराता है और दूर भागता है। अगर घर में पड़ी महिला की चप्पल कोई पुरुष पहनता है तो उसके ऊपर देवी माँ की कृपा होती है और उस पुरुष को कभी भी जीवन में पैसों की कमी नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा हो
तो आप महिला की चप्पल को पहनना शुरू कर दीजिए। आचार्य चाणक्य जी ने शास्त्रों के मुताबिक ऐसा कहा है, ऐसा करना शास्त्रों में भी शुभ माना गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि ये चप्पल चरित्रहीन महिला की ना हो। अगर चरित्रवान महिला की चप्पल को आप पहनते हैं तो आपको कभी भी बुरे दिनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी करोड़पति और पैसे वाले बनना चाहते हैं तो चरित्रवान महिला की चप्पल आज से ही पहनना शुरू कर दीजिए, आपके दिन जरूर बदल जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।